हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्य में विजेते जहाँ नारा है, वो भारत देश हमारा है। सुप्रभात एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सबको। मैं नूर आफ्ताब चौधरी आज आप सबके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए। हर रक्त का एक एक कतरा आज वरदान है, आज़ादी की हर सांस पर उनकी कुर्बानी का नाम है। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, करोड़ों का जनाजा उठा था, इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आधी बही थी। गाथाएं सुने वीरों की जब जब दोहराई जाएगी, जाने कितने वीरों के सीनों में देशभक्ति की ज्योत जलाएगी। अमर रहेंगे हर दम ये तिरंगा, इनकी याद आएगी, आज़ादी की लहर बनकर सबकी नज़रें तिरंगे पर ठहर जाएगी। वतन का जज्बा ऐसा था, सबसे लड़ा जा रहा था, लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। फिरंगियों ने ये देश छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था, फिर ये भारत दो भागों में बटा था, एक हिंदुस्तान कहलाया और दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। रेखा खींची थी जिस कोई पार ना पाकर पाया, ना जाने कितने माएं रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब ने साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। यह है मेरे वतन की कहानी, मेरे खुद की जुबानी, एक था जिसकी जान है पर विभिन्नता इसकी पहचान है। अरदास के आवाज़ के साथ जुड़ी हुई अजान है, यही शमशान है तो यही कब्रिस्तान है। खुशनसीबी है वो ऐसा हिंदुस्तान है, कहकर खुद को बांटिए, होता है मुझे गर्व, मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ रहकर हर रोज़ होता है ऊंचा हिमालय का एक पर्व। भले ही मेरे भारत अब हो गया है इंडिया, पर आज भी यहाँ फूटते हैं कहीं माखन की हांडिया। पड़ोसी की जहाँ करते हैं हम खातिरदारी, वहाँ विरुद्ध जो विरुद्ध करते हैं उनकी भी करते हैं हम सौजेदारी। जिसके ताकत से ना कोई अब दूजा अनजान है, खुशनसीबी है वो भारत हिंदुस्तान है। करने में जिसका सबको विफल रहा प्रयास, मंगल और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाकर इसने रच दिया इतिहास। माना कि अब उड़ने लगे हैं डेंगू और मलेरिया, पर मेरा भारत भी कभी हुआ था सोने की चिड़िया। आज़ाद करने में जिसको दिए कितनों ने बलिदान, खुशनसीबी है वो जो बसा हिंदुस्तान है। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद थे आज़ाद रहेंगे। जय हिंद।